और सीएम भूपेश बघेल न्याय योजना के तहत राशि हस्तांतरित करने चलेंगे रायपुर, हिस्सा लेते रहे। सामाजिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान, एक बड़े आदिवासी नेता को हमने खो दिया है। मंडावी परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है, पूरे आदिवासी समाज में शोक की लहर, और कल हम लोग अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। बहुत ही दुखद घटना, बहुत उम्मीद थी मनोज मंडावी जी से, लेकिन काल के सामने हम सब नतमस्तक हैं। एक अच्छा साथी हमने खो दिया, अच्छा राजनेता हमने खो दिया, पार्टी को, प्रदेश को, समाज को, उस क्षेत्र को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब के लिए ये व्यक्तिगत क्षति के रूप में हम लोग सब देखते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि मृत आत्मा की शांति के लिए और इस दुख को सहने के लिए परिवार को बुढ़ा दे, शक्ति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ। अपने स्थान पर खड़ा होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। मौन प्रारंभ। मैं आज के इस संयुक्त कार्यक्रम जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना एवं भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अंतर्गत राशि अंतरण, साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द एवं अरहर क्रय पीएम आशा योजना के छत्तीसगढ़ राज्य में शुभारंभ के अवसर पर एवं नवीन तहसील एवं नामांतरण सरलीकरण पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय राजस्व मंत्री जी का, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सभी सम्मानित मंत्रीगण का एवं सभी उपस्थित साथियों का। साथ ही स्वागत करता हूँ जिलों से जुड़े हुए हमारे सम्मानित माननीय विधायकगण एवं समस्त हमारे जुड़े हुए महिला एवं अन्य साथी। सर्वप्रथम इन योजनाओं पर एक संयुक्त वीडियो जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाया गया है सर, उसका एक प्रसारण करने की अनुमति चाहूंगा। कृपया वीडियो चलाने का कष्ट करें। जिंदगी जहां सवर रही है, समृद्धि और खुशहाली कोने कोने तक पहुंच रही है, न्याय और आर्थिक तरक्की की रोशनी छत्तीसगढ़ के हर घर पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों, पशुपालकों और कृषि मजदूरों के जीवन में उजियारा लाने के लिए शुरू की गई ऐसी न्याय योजनाएं जिससे इन सभी की जिंदगी में आई है खुशहाली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इन तीनों योजनाओं ने किसानों, पशुपालकों और कृषि मजदूरों की जिंदगी को बेहतर ही नहीं बनाया है बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाया है। अब तक इन तीनों योजनाओं से 26,21,352 किसान, पशुपालक और कृषि मजदूर लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही इन्हें कुल 3,490 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। वहीं इस साल
छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री के निर्देश पर दीवानी के पहले ही किसानों, पशुपालकों और कृषि मजदूरों को मिला है दीवानी का तोहफा। दिवाली के पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त की 1745 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के अन्य दाताओं के घरों में खुशियों का दीपक चले और उसकी रोशनी से देश सरागोर हो। छत्तीसगढ़ में चली है न्याय की लहर, विकास और तरक्की पहुंची है डगर डगर। कृपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे। सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण योजना की जानकारी देने के लिए सर। नेक्स्ट प्लीज। सर, ये योजना 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में खरीफ में कृषि एवं उद्यान की फसल उत्पादक कृषकों को वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 9000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता का प्रावधान है। सर, 2020-21 में जिस रकबे पर किसान द्वारा धान विक्रय किया गया था, यदि उस रकबे के बदले में अन्य फसलें, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन तिलहन, उद्यानिकी एवं वृक्षारोपण किया गया है, तो उससे 10,000 रुपए की सर सहायता राशि का प्रावधान किया गया था, ताकि फसल विविधीकरण का कार्य भी इसमें जारी हो सके सर। और यदि प्लांटेशन करते हैं तो किसानों को 3 वर्ष तक ये राशि 10,000 रुपए दर से देने का प्रावधान किया गया था सर। जो आज सर जारी कर रहे हैं उसमें धान के 23,02,747 पंजीकृत कृषक हितग्राही हैं सर। अन्य फसलों के 1,98,754, धान के बदले अन्य फसल जो लेने वाले किसान थे सर वो 17,523 थे, और प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण करने वाले 222। इन सभी को मिला के सर दो किस्तें 1745 करोड़ की जारी हो चुकी हैं। आज भी सर 1745 करोड़ की तीसरी किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जारी हो रही है, जिसमें धान के किसानों को 1689.59 करोड़, अन्य फसलों के किसानों को 60.97 करोड़, धान के बदले अन्य फसल लेने वाले 4,38,00,000 और वृक्षारोपण करने वालों को लगभग 6,000 इन राशि की प्रावधान 6,00,000 राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार ये कुल राशि सर जो अभी तक तीसरी किस्त मिला के दे चुके हैं वो 5,235 करोड़ आज की किस्त सहित जारी हो जाएगी सर। और जो कुल लाभान्वित किसने खाते हैं सर कृषकों के, वो 23,99,615 है सर, क्योंकि जो कुछ संयुक्त खाते जो पंजीकृत हैं सर उसमें पेमेंट एक ही खाते में होता है, इसलिए पंजीकृत कृषकों की थोड़ी सी संख्या ज्यादा रहती है और भुगतान वाले खातों की संख्या थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट सर, इस प्रकार ये वर्ष 2019 में जब से योजना ये शुरू हुई सर, प्रथम वर्ष 18,43,370 किसानों को 10,000 प्रति एकड़ से 5,627.02 करोड़ राशि दी गई सर। और खरीफ 2020 में 20,59,068 किसानों को ये 9,000 रुपए प्रति एकड़ से 5,553 करोड़ की राशि दी गई सर। और इस वर्ष जो है जो अभी तीसरी किस्त दे रहे हैं इनको टोटल सर 23,99,615 कृषकों को 9 और 10,000 की अलग अलग पात्रता अनुसार 6,980 करोड़ की राशि दी जा रही है। ये तीनों मिला लेंगे सर तो टोटल 18,160 करोड़ 10,00,000 की राशि उनके खातों में जा रही है, जिसमें से 16,415.10 करोड़ का ऑलरेडी भुगतान हो चुका है सर। इस प्रकार 5,235 करोड़ आज की किस्त मिलाते हुए इस वर्ष भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय में हो जाएगा सर। सर, हितग्राहियों की संख्या जैसे मैंने बताया लगातार बढ़ रही है। खरीफ 2019 में 18,43,000 से बढ़ते हुए आज के दिन 23,99,615 तक लाभान्वितों की संख्या बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ इसका अगर वर्गीकरण देखेंगे सर तो अधिकांश किसानों को 1,00,000 रुपए तक की राशि, लगभग 73% किसानों को 1,00,000 रुपए की राशि, और शेष को उनके रकबे के अनुसार अलग अलग ब्रैकेट में सर राशि इनको मिलती है।
नेक्स्ट, इसमें सर धान के किसान में भी वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2022 में 23,02,000 से बढ़कर 23,75,000 हुए, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य फसलें हैं जैसे कि फोर्टिफाइड राइस जो कि इस साल का डाटा अभी आया है उसमें भी सर फोर्टिफाइड राइस वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, प्लांटेशन के किसानों की भी संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ दालों, अन्य सीरियल, सब्जी, ऑयल सीड, गन्ना इत्यादि कैश क्रॉप, मिलेट और सुगंधित धान वाले किसानों की भी संख्या का पंजीयन सर इस बार बढ़ा है जो कि एक अच्छा संकेत है। अन्य राज्यों की योजना की यदि तुलना करें सर तो जैसे आंध्र प्रदेश में प्रति किसान परिवार प्रति वर्ष 7,500 रुपए शुरू होने से पहले दिया जाता है सर, ये वाईएसआर रायतू भरोसा योजना है, जबकि हमारे यहाँ उससे अधिक राशि दी जा रही है। इसी प्रकार पीएम किसान जो कि केंद्र सरकार की योजना है उसमें प्रति किसान परिवार 6,000 रुपए दिया जाता है और हमारे यहाँ सर सर्वाधिक जो है 9,000 से 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जो देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है और सर्वाधिक राशि किसानों को दी जा रही है। नेक्स्ट सर अनुरोध है कि बटन दबाकर सर राशि अंतरण करने का करें। निर्देश दिया तो एपेक्स बैंक के माध्यम से चूंकि इसकी पहले तैयारी की जा चुकी है उन्होंने मनी ट्रांसफर प्रारंभ भी कर दिया है सर। सर द्वितीय योजना जो आज जिसकी राशि दे रहे हैं सर गोधन न्याय योजना, उसका एक प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना का कृपया प्रस्तुतिकरण दिखाएं। नेक्स्ट सर गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों को विकसित करने और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और अन्य आजीविका गतिविधियां संचालित हैं सर। इसमें 30 सितंबर की तुलना में सर जो उस समय गोठानों की निर्मित गोठानों की संख्या 8,041 थी उसमें लगभग 1,000 गोठानों की वृद्धि हुई है सर, क्योंकि अब बारिश का सीजन कम हो गया, निर्माण कार्य दोबारा से प्रगति ले लिए हैं सर, तो आज के दिन 9,024 गोठानों में निर्माण कार्य किए जा चुके हैं सर। इसी प्रकार गोबर की राशि का भी देखेंगे तो 2,21,00,000 पूर्व वर्ष में सर उस समय इसका गोबर 2,21,00,000 का खरीदा गया था, लेकिन 1 से 15 अक्टूबर 2022 में 4,22,00,000 ऑलमोस्ट दुगना सर गोबर क्रय पिछले साल की तुलना में इस साल हो रहा है। इसको मिलाते हुए टोटल सर 174,56,00,000 का गोबर क्रय अब तक किया जा चुका है सर। इसी प्रकार लाभान्वित पशुपालकों की भी संख्या 1,85,320 से बढ़कर लगभग 58% इसमें वृद्धि हुई, 2,93,496 हो चुकी है सर, और गोबर खरीदी की मात्रा भी विगत वर्ष की तुलना में जिस प्रकार से राशि बढ़ी है सर 1,11,000 क्विंटल था, इस 1 से 15 अक्टूबर 2022 में वो बढ़कर 2,11,000 क्विंटल हो गया। टोटल सर 87,28,000 क्विंटल गोबर का क्रय किया जा चुका है सर। टोटल स्वीकृत गोठाने 10,448 में अब 9,024 गोठानों का निर्माण किया जा चुका है सर। नेक्स्ट एक पहली किस्त से लेकर सर 53वीं किस्त तक 170,34,00,000 का भुगतान किया गया था, आज जो सर 54वीं किस्त जो जारी हो रही है वो 4,22,00,000 की है गोबर क्रय की, इसको मिलाकर 174,57 करोड़, और साथ ही साथ सर वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले स्व सहायता समूह एवं गोठान समितियों को 1 से लेकर 53वीं किस्त तक 162,21,00,000 का भुगतान हुआ था और आज उनको 1,37,00,000 का भुगतान हो रहा है, जिसको मिलाकर 163,58,00,000 का कुल भुगतान हो जाता है सर, और कुल आज जो जारी होने वाली राशि है सर 5,59,00,000 है सर, जिसमें 4,22,00,000 गोबर क्रय का है और 1,37,00,000 वर्मी कंपोस्ट का भुगतान है सर। अभी तक जो स्वयं गोठानों द्वारा 21,78,00,000 का गोबर क्रय सर उनके द्वारा स्वयं की राशि से भी किया गया है और 3,000 से ऊपर गोठान सर स्वावलंबी हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें सर भुगतान की भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं सर, टोटल जो विक्रय कंपोस्ट का मूल्य है 183.87 करोड़, उसमें से सर भुगतान के लिए 172,46,00,000 की राशि ऑलरेडी जारी हो चुकी है
और 160 करोड़ का खातों में भुगतान हो भी चुका है। 11.96 करोड़ भुगतान बैंकों में अभी प्रक्रियाधीन है सर। इसी प्रकार जो इसमें गोबर क्रय में भी 4.54 करोड़ भुगतान छोड़कर बाकी सभी जो राशि है वो हितग्राहियों के खातों में क्रेडिट भी की जा चुकी है। कुछ कई बार प्रक्रियाधीन सर खाते की कुछ त्रुटि के कारण भुगतान प्रक्रियाधीन रहता है, जिसको हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। गोदामों की जानकारी रखना चाहूंगा सर, इसमें कुल जो स्वीकृत 10,448 गोठान है, इसमें ग्रामीण 9,022 और शहरी 257 गोठान है, जिसमें से लगभग और साथ ही साथ 1169 आवर्ती चराई के गोठान है, जिसमें शहरी गोठानों में लगभग 90% का निर्माण हो चुका है, ग्रामीण में 87% का निर्माण हो चुका है। आवर्ती चराई में सर विगत 4-5 महीने में आपके निर्देशों के बाद काफी प्रगति आई है, जिसमें भी अब 78% गोठानों का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार ओवरऑल 9,024 गोठानों में सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो कि 86% है, और शेष जो लगभग 12% निर्माणाधीन और कुछ हाल ही में स्वीकृत गोठान 2% है, इनका भी सर शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं सर। अब 1 से 15 अक्टूबर की अवधि में 30 क्विंटल या उससे अधिक गोबर क्रय नियमित करने वाले गोठानों की संख्या 3274 हो गई है सर, जो पहले लगभग 2,800 से 2,000 के बीच में, तो इसमें अब लगातार उसमें नियमित रूप से योजनाएं संचालित हो रही हैं सर। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी टांके की जानकारी रखना चाहूंगा सर। वर्मी कंपोस्ट में लगभग 18,61,000 वर्मी निर्मित हुआ था, जिसमें से 15,71,000 का विक्रय हो चुका है, जो कि 84% होता है। इसी प्रकार सुपर कंपोस्ट में 70% और सुपर कंपोस्ट प्लस में 16% का विक्रय हुआ है। 15 अक्टूबर तक जो सर अभी वर्तमान में जो उपलब्ध है सर, लगभग 2,91,000 क्विंटल 4,295 गोठानों में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है सर। जो इस साल विक्रय हुई है और टोटल जो विक्रय हुआ सर, उसमें सर्वाधिक जो इस्तेमाल है उसका फसल ऋण में 63% में, इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा 10%, उद्यानिकी द्वारा 4%, वन द्वारा, नगरी प्रशासन द्वारा 1% और अन्य कार्यों में गोबर का उपयोग 19% हुआ है सर। इसी की जो मात्रा रखना चाहूंगा सर, कृषि विभाग द्वारा 1,56,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट क्रय किया गया, उद्यानिकी द्वारा 69,964, वन विभाग द्वारा 40,000 और सर्वाधिक फसल ऋण में लगभग 10,00,000 क्विंटल का इस्तेमाल हुआ है, नगरी प्रशासन द्वारा 17,000 और अन्य निजी किसानों और अन्य उसमें 2,91,000 क्रय हुआ है सर। विगत खरीफ वर्ष 2021 में 2,20,000 किसानों ने वर्मी कंपोस्ट उठाया था सर, इस साल वो लगभग 80% उसमें वृद्धि हुई और ये 3,92,000 से अधिक किसानों ने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। इसी प्रकार SHG द्वारा जो गोठानों में कार्य हो रहे हैं सर, उसमें वर्मी खाद उत्पादन में 5,439 स्व सहायता समूह, सामुदायिक बाड़ी में 3603 स्व सहायता समूह एवं अन्य सहायक गतिविधियां, मशरूम, मछली पालन, बकरी, मुर्गी पालन, पशुपालन, गोबर दिया, अगरबत्ती और अन्य गतिविधियों में कुल मिलाकर 11,187 स्व सहायता समूह है सर, जिनसे जुड़े हुए 83,000 से अधिक व्यक्ति है। इन गतिविधियों में भी 84,55,00,000 की आय हो चुकी है सर। त्योहारी सीजन को देखते हुए इनकी अधिक से अधिक बिक्री करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं सर, ताकि जो दिवाली में दिया और अन्य जो सामग्रियां बिकती हैं उसमें इन समूहों से उत्पादित वो किया जाए। इसी प्रकार से गौमूत्र क्रय की विशेष कार्य योजना बनाई गई थी आपके निर्देश पर, जिसमें अभी 78 गोठानों में गौमूत्र 70,000 लीटर से अधिक खरीद लिया गया और उससे उत्पादित ब्रह्मास्त्र जो कि कीट नियंत्रक के तौर पर उसका लगभग 10,00,000 रुपए का बिक्री भी हो चुका है सर, 20,000 लीटर से अधिक, और जो जीवामृत जो कि ग्रोथ प्रमोटर है 14,000 लीटर से अधिक ग्रोथ प्रमोटर का भी विक्रय हो चुका है 5,10,000 से अधिक। ये सर स्वतः संचालित गतिविधियां हैं, इसमें गोठान समितियां स्वफूर्त होकर अपनी राशि लगा रहे हैं सर और उसका विक्रय भी कर रहे हैं सर। सर अब अनुरोध करूंगा गोधन न्याय योजना का सर राशि अंतरण करने का कष्ट करें।
हाँ सर वो तो आ गया सर। एक आपसे अनुमति लेकर सर माननीय मंत्री जी के जिले में सर एक स्व सहायता समूह केला के रेशे से सर बहुत सारी सामग्रियां बनाता है, तो आज माननीय मंत्री गण को सभी को सर और आपको समर्पित कर रहे हैं एक एक उसका सैंपल सर, जो कि काफी मतलब उनका लोकप्रिय उत्पाद है सर, केले के रेशे से बनी हुई विभिन्न उसका उत्पादन किया जा रहा है सर, और गुजरात एवं विभिन्न राज्यों में उसका वो उसको बनाकर बेच रहे हैं सर और उससे आमदनी अर्जित कर रहे हैं सर। सर तीसरी जो योजना जिसका आज शुभारंभ हो रहा है सर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द और अरहर क्रय सर पीएम आशा योजना के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है सर, उस पर एक प्रस्तुतिकरण है सर और कुछ जो किसान आज बेचने आए हुए हैं सर उनसे इंटरेक्शन भी है सर। अभी नहीं सर, अभी आगे आगे दिखेंगे सर उसको। हाँ सर, ये आपके मार्गदर्शन में ये अभिनव पहल है सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीदी, पहली बार मूंग उड़द और अरहर का सर निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया था जिसका नेफेड और भारत सरकार से जो अनुमति थी वो प्राप्त की गई। ये योजना सर सभी जिलों में लागू है, इसमें अभी प्रारंभिक रूप से 20 उपार्जन केंद्रों में सर इसकी शुरुआत की गई है और इससे किसानों को MSP पर ये दालों की खरीदी सर मार्कफेड जो हमारी एजेंसी है उसके माध्यम से की जाएगी और ये जो WDRA द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में इसका उपार्जन और भंडारण किया जाएगा, मार्कफेड उपार्जन एजेंसी के तौर पर काम करेगी और नेफेड जो कि सेंट्रल नोडल एजेंसी है सर उसको ये दालें क्रय करके देगी और उसके बदले में जो राशि है वो नेफेड से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी है लगभग 2% वो मार्कफेड को प्राप्त होगा सर। इस प्रकार से जैसे धान की योजना है वैसे ही ये दालों की योजना है सर, क्योंकि देश में दालों के प्रोडक्शन में प्रोत्साहन देने के लिए एक दूरगामी योजना संचालित है सर और आज के दिन हमारे देश में बाहर से दालें आयात हो रही हैं, इसलिए सभी सरकारों का ये प्रयास है कि ये दालों की खेती को भी बढ़ाया जाए सर। इसमें सर कुछ क्लॉजेज रहते हैं भारत सरकार की योजना में सर, उड़द और अरहर में उपज का 40% और मूंग में 25% की सीमा तक हम लोग क्रय कर सकते हैं सर और इस क्रय स्टॉक को नेफेड द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य खुली उससे भी सेल किया जाता है सर। राज्य में तीनों फसलों में देखेंगे सर तो उड़द में 1,22,000 हेक्टेयर, मूंग में 16,000 हेक्टेयर और अरहर में 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र साधन है और कुल अनुमानित उत्पादन में से सर जो 48,000 टन उड़द का और लगभग 9,000 टन मूंग का और 81,000 अरहर का उत्पादन है सर। ये तीनों फसलें हमारे विभिन्न जिलों में होती हैं सर, जिसमें कुछ जगह ये कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट, इस प्रकार भारत सरकार के हिसाब से जो अधिकतम सीमा होती है लगभग 6,100 टन उड़द, 372 टन मूंग और 6,342 टन अरहर का क्रय किया जाएगा। इनका जो MSP है सर उड़द का 6,600 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 7,755 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर का 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। इसमें सर जो मंडी में रेट्स हैं उसमें कई जगह क्वालिटी के हिसाब से एक रेट की रेंज है, तो किसानों को ये सुविधा रहेगी सर कि वो मंडी की जगह पे शासन को सीधा मार्केट को बेच सके और उसके हिसाब से वो MSP का रेट वो कर सके। अरहर ये मूंग और उड़द की खरीदी सर आज से 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 16 दिसंबर 2022 तक होगी सर और अरहर की जो आगे सीजन है सर 13 मार्च से लेकर 12 मई 2023 तक इसकी खरीदी होगी। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं सर, ये 20 केंद्र हैं जहां पे इनके लिए वो बनाए गए हैं सर। सर इनके किसानों के लिए कुछ जगह कनेक्टेड है सर, जिला महासमुंद आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट करेंगे प्लीज। सर महासमुंद में सर अभी उड़द और मूंग की खरीद आज से सर बसना का जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गोदाम है उससे सर प्रारंभ हो रही है सर। गोदावरी का रकबा सर दोनों में 7,497 हेक्टेयर है सर।
और सर लगभग 2772 जो किसान सर उनका पंजी इन दोनों फसल में हुआ सर, सर आपके अनुभव इस तरह किसान यहाँ पर उपस्थित हुए सर वो बात करना। हाँ काका नमस्कार। जय जोहर। का नाम है? गंगा पर है चौधरी। अच्छा तो मूंग है उड़ीद को है? आवाज कमती आ थे उड़द को है के एकड़ में? आधा एकड़ में। कते उत्पादन हो गए? अच्छा अभी बाहर में क्या भाव चला थे? आवाज ठीक करिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। बाहर में किलो 50 तक पर है। अच्छा सरकार अब समर्थन मूल्य में खरीदी तो 6600 है कीमत है ना? सरकार है मूंग उड़द अरहर एक खरीदे की व्यवस्था करे कि इकन मन की कीमत है कभी 1600 रुपये रही थे और जब आप सीजन रहते तो 11000 तक जाते, जब किसान बेचे जाते तो 1600 से वासी कुछ अधिक रहते। वही पह के सरकार ये फैसला करे कि एक समर्थन मूल्य खरीदी की जाए तो किसान लोग से नुकसान नहीं, बाजार में ज्यादा कीमत है तो बाहर में बेच दे, नहीं तो फिर कम होते तो सरकार खरीदे की व्यवस्था करे। ठीक रहेगा? ठीक है चाचा। चलो ठीक बधाई। जिला गरियाबंद। नमस्कार मुकेश भाई। नमस्कार जी। हाँ गरियाबंद जिले से आवाज क्लियर नहीं है, कृपया आवाज क्लियर करेंगे। गरियाबंद भैया आज मूंग धान के समर्थन मूल्य में राशि का सम्मान के बीच में हमारे किसान भाई का बहुत ही ज्यादा खुश है ये योजना से, और हमारे किसान भाई का अभी तक 5 आवास तक किसान मन से बात करा तो मैं आपसे बात कराना चाहता हूँ। जय जोहार। और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हूँ कि आप तो गाँव गाँव में गौशाला बनाए तो भी जो वर्मी कम्पोस्ट बना है ना तो वर्मी कम्पोस्ट के लिए 1 एकड़ में पूरा गोबर डाल के अपन धान उत्पादन करेंगे, रासायनिक खाद एक दो घर भी डाले हो पता पे मैंने रोपाई के टाइम में 4 बोरी एक दिन के बाद 4 बोरी या इसी दिन 4 बोरी डाले हो तो इधर से बना था उत्पादन 1 नंबर के नहीं कर सका। ये योजना पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है तो लेकिन हम लोग रासायनिक खाद से बहुत वंचित करे दूर रही और हम किसान मैंने गोबर खाद से पूरा मैंने छत्तीसगढ़ नाम कमाई भारत में तो इतना गारंटी साथ बन सका। खूब बधाई। अब सरकार सरकार है मूंग उड़द अरहर के समर्थन मूल्य में खरीद शुरू करे तो किसान रेट के मामले में निश्चिंत रहे और वर्मी कंपोस्ट का बहुत बढ़िया उपयोग करे तो कर बधाई। और निश्चित रूप से आपके अनुभव से पूरा प्रदेश के किसान लाभ उठाई। खूब बधाई, खूब शुभकामना और दिवाली को बधाई। ठीक जय जय। जिला रायगढ़। जिला रायगढ़। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। रायगढ़ जिले में सर राजीव गांधी किसान योजना के तहत सर
तीसरी किस्त की राशि आज 98 करोड़ रुपए दिया जा रहा है सर। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के तहत सर अभी विगत 15 दिवस की राशि किसानों को 1 से 14 अक्टूबर की 19 लाख रुपए प्रदान किया जा रहा है सर। और अभी तक गोधन न्याय योजना में सर कुल 14 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार सर अरहद उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सर जिले में कुल रकबा अरहर का 2800 हेक्टेयर, उड़द का 12800 हेक्टेयर और मूंग का 1532 हेक्टेयर है सर। हमारे बीच किसान यहाँ उपस्थित है सर जो आज आपके समक्ष ही इस योजना के तहत अपने उत्पादों को की खरीदी यहाँ की जाएगी। और मैं उन सभी किसानों से आग्रह करूंगी सर कि आपसे संवाद स्थापित करें। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ला सादर प्रणाम। जय जोहार। जय जोहार। मेरा नाम दयानिधि ओगरे है सर जी। दयानिधि भाई बताओ नंबर बताओ। कते खेती कागा बोल जा। आज इसमें मैं उड़द लगाया हूँ सर और 1 एकड़ में रागी। अच्छा, रागी भी बोयस और उड़द भी बोयस और धान तैयारी भी हो गए सर। अच्छा, धान 12 एकड़ में धान लगाया हूँ सर। अच्छा, धान रागी और उड़द तीनों बोयस जी जी। अब तो उड़द वो समर्थन मूल्य खरीदे फैसला करे हम, एक से लाभ मिली कि नहीं मिली, बाजार में ज्यादा रेट है। आपन के द्वारा जो अभी समर्थन मूल्य लागू करे है तेकर बाद आपन लग गाड़ा गाड़ा बधाई हो, धन्यवाद सर। और ये जो सबसे पहले समर्थन मूल्य उड़द मूंग के लागू होना चाहिए थी, आज लागू करके बहुत अच्छा करे है सर, धन्यवाद सर। खूब बधाई हो अग्रे जी, क्लोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद रायगढ़, थैंक यू। सर आज जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर योजना न्याय योजना के अंतर्गत राशि अंतरण का कार्यक्रम भी है सर, इसके अंतर्गत राशि अंतरण हेतु अनुरोध है सर। भूमि श्रमिक कहा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3 योजनाओं पर बढ़ते कदम। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष निर्धारित राशि प्रदान करने का वादा निभाया। वर्ष 2021-22 से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, योजना के तहत प्रदान की जा रही है प्रति पंजीकृत व्यक्ति 7,000 रूपए वार्षिक दर से सहायता राशि। अब तक 210,95,32,000 रूपए की राशि दी जा चुकी है। आज 17 अक्टूबर 2022 को 4,66,880 हितग्राहियों को GDT के माध्यम से 115,80,32,000 रूपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बैगा, कुनिया, गुजारी, हाट बहरिया, बाजा महरिया भी हितग्राहियों की सूची में शामिल है। सर आज नए अनुविभाग और नवीन तहसीलों का सर शुभारंभ भी आपके कर कमलों से हो रहा है सर, कृपया उसके लिए भी बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। विभागों और तहसीलों की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासन प्रशासन को आम जनता के निकट ले जाने का संकल्प लिया ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। निचले स्तर पर प्रशासन में कसावट आए और आम जनता का जीवन सुगम तथा सुविधाजनक हो, इस कड़ी में जिन 10 नवीन अनुविभागों की गठन की घोषणा की गई थी वे तिलता निवरा, बाग बहरा, माल खरौदा, धमधा,
बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम, भैरवगढ़ अनुविभाग की औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है। इस तरह प्रदेश में कुल 108 अनुविभाग हो जाएंगे। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन 25 नवीन तहसीलों की घोषणा की थी, वो भी आज से औपचारिक तौर पर कामकाज शुरू कर देगी। मंदिर हसौ, धरसीवा, बेलरगांव, कुंवर खान, सोना खान, कुंडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जनहागांव, टिपका, मुकड़ेगा, कोटा डोल, ओडी, बचरा, औंधी, खड़गांव, सालीपारा, लाल बहादुर नगर, मरने बंगला, देवरी, देवघर, हिंदौरी, नानपुर, भानपुरी, तोड़पार, मर्दापार, धनुरा को मिलाकर अब प्रदेश में कुल 227 तहसीलें हो जाएंगी। नामांतरण सर, राजस्व विभाग के अंतर्गत जो नामांतरण सरलीकरण पोर्टल का भी सर शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राजस्व प्रशासन को सुगम तथा जनहितैषी बनाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इस कड़ी में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु ऑनलाइन नामांतरण पंजी का नया वर्जन तैयार किया गया है, जिसमें ये सुविधा होगी कि पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम इश्तेहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। नए वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी की तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरुस्ती होने की सूचना SMS के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 7 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरुस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। इससे जनता का समय और अदालती मामलों से राहत मिलेगी। राजस्व प्रशासन और जनहित के नए कदम छत्तीसगढ़ जनता का जीवन होगा सुगम। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अब कार्यक्रम में समय की कमी को देखते हुए मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह अपना अनुमोदन देने का कष्ट करेंगे। जम्मू किसान भाई बहनी मजदूर साथी सब जन ल जय जोहार। आज हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी मन उपस्थित है नवा राजधानी में। सब विधायक मन भी जुड़े हुए, किसान भाई मजदूर साथी मन जुड़े, अधिकारी मन जुड़े हैं। ये कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय TS सिंहदेव जी, ताम्रध्वज भैया, रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी, श्री डहरिया जी, अकबर भाई, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, गुरु रुद्र कुमार जी, उमेश पटेल जी, अमरताप जी, आदरणीय सभी अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी विधायक साथी, भाई अमतेश जी, भाई चंद्रदेव जी, रेखचंद जी, इंद्र साह जी, कुंवर सिंह जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, गुलाब कमरो जी, भुवनेश्वर यादव जी, भुवनेश्वर बघेल जी, मोहित राम करकेट्टा जी, MR निषाद जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और सभी साथीगण, 24 तारीख को दीपावली और इसीलिए 1 नवंबर जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खाते में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाट पारिया, मोहरिया इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं।
इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देता हूं और अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की इसके लिए भी उन्हें शुभकामना देता हूं और सभी किसान भाई मजदूरों को गौपालकों की भी बहुत बधाई। अब दीपावली बहुत नज़दीक है, पटाखा भी लेना है, बच्चों को नए कपड़े भी खरीदना है, मिठाई भी बनाना है, घर के रंगाई पोताई भी करना है और साथ ही दीपावली के तैयारी के साथ साथ खेती की भी तैयारी हम लोगों को करना है। तो ये दीपावली बहुत बढ़िया बीते इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है। तो आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज 10 नए अनुभाग और 25 नई तहसीलें की शुरुआत भी की गई, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ सभी को। नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए संस्करण के शुभारंभ भी आज किया गया, इसके लिए भी बधाई। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब किसानों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कहां 2017 में 15 लाख के आसपास किसान थे, आज 24 लाख किसान हो गए। और ये धान की खेती का साथ ही जो कोदो कुटकी रागी मक्का गन्ना वृक्षारोपण अन्य जो सुगंधित धान के फसलें ले रहे हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है। गौ पालकों में जहां हम लोग गोबर खरीदी की शुरुआत की थी उस समय बहुत सारे साथियों के मन में शंका थी कि किस प्रकार से खरीदी की जाएगी, किस प्रकार से व्यवस्था होगी और इसका फिर जब वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा कैसे उसका वितरण होगा, उपयोग किस प्रकार से होगा। लेकिन 2 साल बीतते बीतते अब गोपाल जो गोबर विक्रेता गोपालक हैं उनके भी संख्या में वृद्धि हुई है, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करने वाले किसानों के भी संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी काफ़ी मात्रा में लोग कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और तुलनात्मक दृष्टिकोण से रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट की तुलना भी अब किसान करने लगे हैं, उसका लाभ किसान भाई ले रहे हैं। उसी प्रकार से जो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो हम लोग राजीव जी के नाम से शुरू किए थे उस समय संख्या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी है कि अब वो संख्या 4.5 लाख तक के पहुंच गया है और देश में पूरे देश भर में ये अपने आप में पहली योजना है जो मजदूरों के लिए लागू किया गया। और 7,000 रुपया जहाँ भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला हुआ है और किस्त जारी भी किया गया है। बहुत सारे अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे मजदूर साथियों को पता नहीं था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों ने जानकारी दी और उस कारण से जो पिछले समय करीब 3.5 लाख कृषि मजदूर थे अब वो बढ़ के 4.5 लाख के आसपास हो गया है। तो ये संख्या और बढ़ेगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे मजदूर साथी उठाएं, ये आप सबसे कहते हुए बहुत सारे योजनाओं के आज मूंग उड़द और अरहर के समर्थन मूल्य में खरीदने की भी व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम आपको पहले ही पता है कि मिलेट्स यानी कि कोदो कुटकी रागी इसका समर्थन मूल्य, कोदो कुटकी का कहीं देश में समर्थन मूल्य घोषित नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस समर्थन मूल्य घोषित किया 3,000 से ऊपर और उसमें खरीदी की भी व्यवस्था। और उसके लिए जहाँ छोटे छोटे मिलिंग के लिए प्लांट लगे थे अब मिलेट्स के भी प्रोसेसिंग प्लांट, मतलब पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मिलेट्स का प्लांट अभी नथिया नवागांव में हम लोगों ने शुरुआत किया 7 तारीख को ही और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोदो कुटकी रागी के किसान भाई ले पाएंगे। अब हमारी सरकार ने मूंग उड़द और अरहर का भी समर्थन मूल्य में खरीदी का फैसला किया है जिससे किसानों के उत्पादन हैं उसका सही मूल्य मिल सके। यदि बाजार में ज़्यादा कीमत है तो निश्चित रूप से किसान भाई बाहर बेचे और यदि उससे कम में बिक रहा है तो सरकार खरीदी की व्यवस्था की है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान भाई उठाएंगे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। आज जो नए तहसील और अनुभाग बने हैं
इसका भी लाभ हमारे चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो सभी लोग उठाएंगे। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। दीपावली के समय अभी हम लोगों ने फैसला किया कर्मचारियों के डीए भी बढ़ाएंगे तो इसकी भी वृद्धि की गई है, उसका भी घोषणा कर दी गई है। तो सबको भी मैं बधाई देता हूं कि पहले कर्मचारियों को 28% डीए मिलता था, अब बढ़ के 33% कर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को उत्साह बढ़ेगा। मैंने इसका भत्ते की बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो चुकी है, इसलिए अधिकारी कर्मचारी दीपावली भी इस पर ज़्यादा रौनक होने वाली है। मैं सबको बधाई देता हूँ। पिछले साल हम लोगों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और 1 दिसंबर से खरीदी की शुरुआत की थी। इस साल फसल बहुत अच्छी है, बरसात भी खूब हुआ। सरगुजा संभाग में शुरुआत में कुछ कम बारिश हुई थी तो थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन बाद में बारिश हुई तो फसल भी उसमें जो कमज़ोर था वो भी संभल गया। तो इस साल धान 98 लाख से बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ या 10 लाख के बीच खरीदी हम लोगों ने व्यवस्था की है और इस खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी, तो किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी किसानों को, मजदूर साथियों को, गौपालकों को बहुत बधाई देता हूं और नए अनुभाग और तहसील बने उसके भी बधाई शुभकामना, नए पोर्टल की शुरुआत हुई उसके भी बधाई और डीए में बढ़ोतरी हुई उसके लिए भी बधाई। तो दीपावली के बधाई और शुभकामना, छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली के पहले सबके लिए राशि का वितरण किया है, तो सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, माँ लक्ष्मी सभी पर कृपा बनाए रखे, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, सभी हमारे उपस्थित सम्मानित माननीय मंत्रीगण एवं जिलों से जुड़े हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त कार्यक्रम